बीनड़ी संभाल कर बनाए, सब नाप तोल कर ही डालिए। जी बाबू। और हाँ, घी डालते वक्त हाथ खींच लीजिए। जी बाबू। 350 रुपया किलो, तो एक साल में तो सोने के भाव तक पहुंचा देंगे घी ने। फिर किलो में नहीं, तोला में बिके। घी गर्म होने के बाद दाल। घी और डाल देती हूँ। बीनड़ी के हाल बना रखा, थारा भाई ने तो थारी तारीफ में बड़े बड़े पुल बांध रखे थे कि मारी बहन तो काम काज में तेज है, पर ये फोड़ जिसा के काम करया है। कोई बात को नहीं, जानू ससुराल में बीनड़ी पहली बार रसोई बनावे है तो घबराहट में होवे है। तू थारो काम कर, मैं तो पानी लेने आई थी। किताब लगे हैं, जदी बिखरी पड़ी है, सुध नहीं है छवि ने कोई बात को। काम करती हूँ, इसे पानी डाल देती हूँ। नहीं बनती थी, पर इस पे क्यों? बीनड़ी जी, हलवा तैयार हो तो ले आए। अरे ठाकुर जी भूखा बैठा, भोग लगाना है। रे कितनी देर लगेगी, जल्दी कर। सूरज भैया, कितनी बढ़िया लग रही है ना ये बेसन की बर्फी, इतनी अच्छी लग रही है कि मन करता है खाने की बजाय सजावट के लिए घर के बाहर टांग दो। इसका रंग तो देखो, काला टीका लगा दूं।
वैसे सूरज भैया, मैं कब आपकी तरह ऐसी बेसन की बर्फी बना पाऊंगा? चिंता मत कर छोटू, एक दिन तू इससे बढ़िया मिठाई बनाएगा। मैं तो सालों से बना रहा हूँ ना, आज जम गया। और फिर मैं हूं ना तुम्हें सिखाने के लिए। भगवान जी, मुझे नहीं पता कि जो हलवा मैं आपके लिए भोग के लिए लाई हूं वो कैसा बना है। आप तो जानते हैं कि मैंने आज से पहले हलवा कभी नहीं बनाया है। आज पहली बार कोशिश की और बिगड़ गया है शायद। बाबू, अगर आज उन्होंने मेरी माँ के बारे में कुछ कहा तो शायद मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँ। कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में मेरे मुंह से भी कुछ गलत निकल जाए। ये रो क्यों रहे थे? रे बधाई हो, 5.5 लाख पति बन गए हम। पति भी नहीं, 5.5 लाख पति पत्नी बन गए हम। अरे ऐसी बात तो तुझे गोलगप्पे खिलाता हूँ, तू भी क्या याद रखेगी कि किसी रईस से शादी हुई है तेरी? नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई गोलगप्पे चाट पकौड़ी नहीं खानी, मुझे तो घर जाना है। भगवान जाने कैसा हलवा बनाओगे। बात सुन, सामने वाली दुकान से फिर 2 दर्जन साबुन भी ले ले। भूल गई वो 12 पे 12 फ्री? भाभों से क्या बोलेंगे? अरे छोड़ो ना, अपनी जेब से 100 रुपए क्यों खर्च करने? चलो घर, चलो ना। भाभो, जब तक मैं पोल मार्केट पहुंची तब तक सारे साबुन खत्म हो गए। अरे को तो कुछ ना मिला। रे तो तुझे घर से पहले निकलना चाहिए था ना। 20 रुपए तुझे मैंने रिक्शे में घूमने के दिए थे क्या? रे अगर तुझे छींकने का भी काम दिया जाए ना, उसमें भी खास कर रह जा तू, तेरे कान के नीचे। विक्रम, हर बात पर लुगाई पे हाथ ना उठाया कर। अरे इसकी कोई मामूसा की तो दुकान ना थी जो इसके लिए सारे साबुन निकाल कर रख देते। जो हुआ सो हुआ। बीनी चल, थालियां लगा, थारी जेठानी ने हलवा तैयार कर दिया है, सब साथ बैठकर चाखेंगे। चाल जल्दी कर। सूरज बेटा, हलवा तैयार है, आ जा।